हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप्ति। मेरी यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी का ढोकला, वो भी इंस्टेंट। ढोकला खाने का मन करे और 10 मिनट में सूजी का ढोकला रेडी। ये ढोकला बनाने के लिए मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो ब्लेंडर में पीस सकते हैं। वही कप से मैं एक कप खट्टा दही डालूंगी। अब इन दोनों को हम अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी पूरी देखना, बहुत ही अच्छे स्पॉन्जी ढोकले बन के रेडी होते हैं। इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे और मैंने यहाँ जिंजर और चिली को फाइनली चॉप्ड कर लिया है, वो मैं डालूंगी। कोरिएंडर डालेंगे। सबको अच्छे से मिला के उसमें ज़रूरत के हिसाब से कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जितना वाटर लगेगा उतना हम डालेंगे। मैंने 1/4 कप जितना डाला है। जी थोड़ी देर के बाद पानी ज़्यादा पीती है तो बाद में हम देख लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो डालेंगे। अब इस बैटर को हम ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तब तक गैस पर एक बड़े से पतीले में हम पानी उबालने रख देंगे और उसमें एक स्टैंड रख देंगे। जब तक हमारी सूजी रेस्ट करती है तब तक ये पानी उबल जाएगा। चलिए 10 मिनट हो गई है और अब हम इस बैटर को एक ग्रीस की हुई थाली में डाल देंगे। इस बैटर में आप अगर चीनी डालना चाहो तो 1 टीस्पून डाल सकते हो। टेस्ट अच्छा लगता है, मुझे पसंद नहीं इसलिए मैंने नहीं डाला है। अब हम 1/2 टीस्पून सोडा डालेंगे और 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। सोडा या इनो कुछ भी डाल सकते हैं, इससे ढोकला बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। मिक्स कर लेंगे और देखो मिक्स करते हैं तो कितना फ्लफी हो गया है हमारा बैटर। फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और पास में जो बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस कर देना। आपको मेरी आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलेंगी। फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ है। ये थाली में डालने के बाद इसमें मैं ऊपर से थोड़ा सा रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर दूंगी और फिर हम इसको स्टीम करने रख देंगे। 15 से 20 मिनट इसको स्टीम करना है। 15 से 20 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। 15 से 20 मिनट में ही ढोकला रेडी हो जाता है। तो है ना आसान तरीका, जब मन करे बस 10-15 मिनट अपने पास हो और ढोकला रेडी। कोई गेस्ट आ जाए अगर और गरम गरम कुछ नाश्ता खिलाने का मन करे तो ढोकला बना लो। देखिए रेडी है। अब हम इसको गैस बंद करके बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। बस थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम उसको कट कर लेंगे। सूजी दही वगैरह सब के घर में रहता है तो ये ढोकला जब मन करे हम बना सकते हैं। तो है ना आसान तरीका, ट्राई ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों की कमेंट की मुझे हमेशा प्रतीक्षा होती है, इससे मोटिवेशन और बढ़ता है। चलिए यहाँ मैंने पीस कट करके रख लिए हैं। अब इसके लिए हम तड़का तैयार करेंगे। तो एक पैन में मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल जब गर्म हो जाए तो उसमें मैं सरसों के दाने, जीरा और तिल डालूंगी। उसके बाद थोड़ी सी हींग, करी लीव्स और ग्रीन चिली के पीस करके डालूंगी। तो हो गया हमारा तड़का रेडी। तो बताओ आपको कैसा लगा ये इंस्टेंट सूजी ढोकला? है ना मज़ेदार रेसिपी? मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बनाओ तो उसकी फोटोग्राफ्स लेकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। पूरे में तड़का फैला देना है अच्छे से। एंड नाउ एंजॉय इंस्टेंट सूजी ढोकला। तो बनाइए, खाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को खिलाइए, सब खुश होंगे। फ्रेंड्स, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब एक लाइक तो बनता है।
कर देना प्लीज़।